हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पर क्रिएटिव स्टोरी आइडियाज़ लगाने का तरीका बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं वह स्टोरी कुछ इस तरह का, आप लोग को इस वीडियो पर स्टोरी डिज़ाइन करने के लिए बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साथ ही नॉलेजफुल है, तो वीडियो को देखते रहे एंड तक। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, आगे भी इस तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। प्लीज आप लोग को इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को राइट साइड स्लाइड करना है। राइट साइड स्लाइड करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोन का गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग जिस फोटो को स्टोरी डिजाइन करना चाहते हैं वह फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यह फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यह फोटो ज्योति श्री महतो का है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यह स्टोरी डिजाइन करने के लिए बताता हूँ। तो इस फोटो को अच्छे से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर देना है और लगा देना है। लगाने के बाद आप लोग को ऊपर की ओर देखिए तो राइट कॉर्नर में डबल ए का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से एक डॉट लेना है। डॉट लेने के बाद आप लोग का इस डॉट का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं आता है तो यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए तो ए प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो डॉट का बैकग्राउंड आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो सेकेंड नंबर पर डबल ए का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का इसका स्पेस यहाँ पर बहुत सारे देना है। इस तरह आप लोग को बहुत सारे स्पेस देना है और इसको पूरी तरह से लंबा कर लेना है। तो आप लोग को इसी तरह सेम करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ, स्पेस बहुत सारे दे लेता हूँ। स्पेस देने के बाद आप लोग को इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह रोटेट कर लेना है और इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आप लोग को इसको साइड में लगा देना है फोटो के ऊपर, तो इस तरह लगा देना है। लगाने के बाद आप लोग को सेम उसी तरह फिर डबल ए के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर एक डॉट लेना है। उसके बाद आप लोग को फिर सेम उसी तरह इसका बैकग्राउंड बड़ा करना है, बहुत सारे स्पेस देना है। तो यहाँ पर सारे स्पेस मैं दे देता हूँ। तुरंत स्पेस देने के बाद आप लोग को फिर से डन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेम उसी तरह फिर आप लोग को इस बैकग्राउंड को राइट साइड कॉर्नर में लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने का मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर डबल ए का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए 1 2 3 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लाइन लेना है। तो यहाँ पर मैं लाइन ले लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यह लाइन का मेरा बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए ए प्लस वाला पर क्लिक करिएगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह लाइन बहुत सारे ले लेना है, इस तरह लंबा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लाइन लंबा कर लेता हूँ। तो आप लोग को भी इसी तरह सेम लाइन लेना है। उसके बाद आप लोग को इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यह लाइन को कुछ इस तरह रोटेट करना है और इसको भी बड़ा करके इस तरह आप लोग को जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर लगा देना है। इस तरह लगा देना है बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद सेम उसी तरह आप लोग को फिर इसी तरह डबल ए के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सेम लाइन लेना है, इसी तरह लंबा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ। इसी तरह आप लोग को फिर डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस लाइन को भी बड़ा करना है और इसको रोटेट करके इस राइट साइड कॉर्नर में लगा देना है बैकग्राउंड के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लग चुका है। उसके बाद आप लोग देखिए ऊपर की ओर इमोजी का आइकन मिलेगा स्टिकर का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है वाइट, यहाँ पर वाइट सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे इमोजी देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का इमोजी मिल रहा है स्टार और मून वाला, तो इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस स्टिकर को ऊपर की ओर इस तरह लगा देना है, अच्छे से लगा लेना है एडजस्ट करके। उसके बाद सेम उसी तरह फिर इमोजी के आइकन पर क्लिक करना है और सेम वही इमोजी को ले लेना है। लेने के बाद इसको भी ऊपर साइड राइट कॉर्नर की ओर लगा देना है, इस तरह लगा देना है। लगाने के बाद आप लोग को फिर इमोजी के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद पर आप लोग को सर्च करना है, पहले मैं वाइट को डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्टार सर्च करना है, स्टार सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे स्टार आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो स्टार आप लोग को छोटे छोटे दिख रहे हैं यह स्टार को मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद यह स्टार को आप लोग को नीचे की ओर इस तरह लगा देना है और पूरे डिस्प्ले में लगा देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ, सारे स्क्रीन पर यह स्टार को साइड में लगा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सारे स्क्रीन पर साइड साइड पर स्टार लगा दिया। उसके बाद फिर आप लोग को इमोजी के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से ये जो फूल दिख रहा है इस फूल को ले लेना है। तो इस फूल को लेने के बाद आप लोग को इस तरह देखने का ऑप्शन मिलेगा, तो इस फूल को अच्छे से एडजस्ट करना है, इस तरह एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को साइड लेफ्ट कॉर्नर की ओर लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरह लगा लेना है फूल को। उसके बाद सेम उसी तरह वही फूल को लेना है और इस फूल को भी इस तरह एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको राइट कॉर्नर की ओर लगा देना है।
तो आप लोग देख सकते हैं देखने में और काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगा। उसके बाद आप लोग को ऊपर की ओर आना है तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन मिलेगा डबल ए का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर टाइप करना है न्यू पोस्ट, यहाँ पर आप लोग को डबल डबल लिखना है न्यू पोस्ट। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। न्यू पोस्ट लिखने के बाद आप लोग को इसका बैकग्राउंड लाना है। बैकग्राउंड लाने के लिए ए प्लस के ऊपर क्लिक करिएगा तो इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड आ चुका है। तो इसको आप लोग को यहाँ पर देखिए बहुत सारे एक ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आप लोग को राइट साइड इस तरह स्लाइड करते जाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ए पर रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका ए वाला बैकग्राउंड काफ़ी खतरनाक दिख रहा है लुक में, तो इसको फिर डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह रोटेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को ऊपर की ओर इस तरह लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद हम लोग का और देखने में अट्रैक्टिव लगने लगेगा। फिर आप लोग को इमोजी के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बैक आना है, तो यहाँ पर आप लोग को देख प्लस का आइकन मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को वही फ़ोटो को लेना है जिस फ़ोटो को आप लोग स्टोरी डिजाइन करना चाहते हैं। तो यह रहा मेरा वह फ़ोटो, तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को फ़ोटो के ऊपर डबल टैप करना है। डबल टैप करिएगा तो यह फ़ोटो सर्कल साइज में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यह फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इस तरह जो लाइन है इसके बीचों बीच लगा देना है, जिससे आप लोग को देखने में लगे कि यह फ़ोटो टंगा हुआ है। तो इसको इस तरह छोटा कर लेना है और अच्छे से लगा लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फ़ोटो लग चुका है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इमोजी के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है वाइट सर्कल। सर्कल सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे वाइट सर्कल मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैं इस सर्कल को ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद आप लोग को इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को फ़ोटो के ऊपर लगा देना है इस सर्कल को, तो अच्छे से यहाँ से एडजस्ट करना है। उसके बाद फ़ोटो के ऊपर लगा देना है। तो आप लोग को कुछ इस तरह स्टोरी डिजाइन होकर रेडी हो चुका है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लग रहा है देखने में। आई होप दोस्तों आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, और मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं जर्नम सूरज महतो 23। यह लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।